पांच से छह महीने तो 20+ दूध रहता है। तो सभी भाइयों को रमेश अजवाणा की तरफ से नमस्कार भाई। आज का आप वीडियो लेकर आए हैं गांव करोड़ा और जिला कैथल से। आज इस वीडियो में आपको बाखड़ी जोटी भाई दिखाएंगे, बहुत बढ़िया बाखड़ी जोटी। जो भाई ने जोटी की डिटेल दी है नी, काफी बढ़िया दी है और एक अच्छा पशुधन है भाई अपने फार्म पे रखा है। ये नहीं है सारी की सारी भैंसे काफी अच्छी रखी है, क्योंकि बाकी जानकारी तो हम भाई से ही ले लेंगे। राम राम भाई साहब। राम राम भाई जी। ओ ठीक है भाई जी, बिल्कुल बढ़िया। नमस्ते ताई जी। नमस्ते। ठीक हो? ठीक हो भाई। तो ताई पे डिटेल लेंगे जोटी की। हाँ ले भाई ले। हाँ ताई। हाँ बेटा। कितने दिन की प्रेग्नेंट है, कितना दूध दे रही है इस टाइम? छठा भी नम लग रही है। हाँ हो जाएगी। ठीक है, बात दूध कितना इसमें? दूध भाई इस तरह 12 किलो दूध है। 12 किलो दूध है। ठीक है, अपन अगर किया फिर आप मोल लेकर आए इसने? इसने मोल लेकर आए थे बेटा। अच्छा, एक ब्यांत पी लिया मम्मी। अच्छा, एक ब्यांत पी लिया। तो भाई बच्चे बुच्चे कैसे होंगे? बहुत अच्छे बच्चे भाई साहब। वो कटड़ी है इसकी। अच्छा, बहुत ही बढ़िया कटड़ी है जो परली साइड। हाँ, पिछले ब्यांत की, इस ब्यांत का कटड़ा है। ठीक है। हाँ तो भाई यहाँ कटड़ी भी दिखावांगे भाई, अरब की बार नीचे कटड़ा है। अच्छा भाई, कितना टाइम लग दूध देवे जोटी? कितना टाइम लगे भाई जी प्रेग्नेंट होने के बाद? प्रेग्नेंट होने के बाद 9 महीने में 8 किलो दूध पर छोड़नी पड़ेगी। छोड़नी पड़ेगी, इसका चाट बंद करके, तब जाके या मतलब घटेगी। ठीक, नहीं तो पाँव उठाने का इसने पता ही नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, अपना इतनी अच्छी भैंस है तो आप बेचता क्यों भाई साहब ने? इसका यूं कारण है भ्राता जी, आप देसी आदमी है। हाँ ठीक है बात। मेरे पास 3 महस है, तीनों की तीनों महस जो है ना गैप बनर, तीनों दूध दे रही है। ठीक है बात। और जो ये महस है इससे इधर वाली, ये बचपन से पाली है आपने, इसको आप कभी बेचने की घर वाले ने सोची नहीं इसको। हाँ ठीक है। ये भाई साहब घर की आपने कटड़ी पाली थी। ठीक है। और इसका मतलब डेढ़ डेढ़ दो दो साल दूध देवे, मतलब दूध तक कम नहीं होंगे। आज ये 1 साल से ऊपर की ब्याही है। मैंने प्रेग्नेंट इसको कराया नहीं के मतलब जैसे भाई और लंबा टाइम दूध देगी। आज भी 13-14 किलो दूध है घर वाले ने जब ये पाली। ठीक है। और मतलब इसने बच्चा दिया तो उसी दिन तो स्कीम लड़ा लेके बेटा इसने कभी बेचना नहीं, बेचने नहीं इसने तो। हाँ, इसको हम बेचते नहीं, घर के लिए अच्छी है। हाँ, इसने काटड़ी नहीं दी आज तक। घर वाले की स्कीम है कि इसकी कटड़ी देवेगी, इसका बच्चा मतलब घर पे रखना, कटड़े दिए नहीं अभी तक। 4 ब्यांत हो गए। 4 ब्यांत हो गए। हाँ नहीं ठीक है बात। हाँ, बहुत अच्छे इसके कटड़े हो, जो बच्चा देवे नहीं अच्छा है, उसने दूध भी ना चूंगा वहां फुल है, मतलब कटड़ा अपनी अच्छी पोजीशन दे ग्रोथ करा ले। हाँ हाँ। और कटड़ी उसकी ये पहला ब्यांत की? हाँ, ये पहला ब्यांत की जो मैं बेचने के लिए एग्री करे उसकी ये कटड़ी है। काफी बढ़िया कटड़ी है। अभी देखो हाइट भी, एज कितने की होगी इसकी? इसकी भाई सब तकरीबन 1.5 साल का करीब एज होगी। 1.5 साल का करीब होगी। हाँ ठीक है बात, क्योंकि वो भैंस बोर्ड के ब्याह भी ली। हाँ 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 ठीक है बात। और जो जो टिया मैंने बेचनी है वो खोल दे भाई साहब एक बार, थोड़ा सा थोड़ा फिर आकर दिखा दे। बहुत बढ़िया जोटी है भाई। कौन सा ब्यांत बताया अपन? तीसरा ब्यांत में भाई। तीसरा ब्यांत में देखें भाई, काफी लाजवाब। और दूध फिर पूछ लें, दूध कितना बताया? दूध इस टाइम भाई सब कांटे का तोल का 12 किलो है। 12 किलो लीटरों के हिसाब से नहीं, कांटे के तोल का। कांटे के तोल का। हाँ देखे भाई, कांटे के तोल का 12 किलो दूध तैयार है और छठा भी नम लग रही है। देखें काफी बढ़िया बाखड़ी आज सभी भाइयों को देखने के लिए मिली है। पूरी तरह से कवर करके दिखा देंगे क्योंकि डिमांड काफी ज्यादा बाखड़िया की। देखें बहुत ही साफ सुथरी, नीचे से जो अंडर क्वालिटी है देखने के बाद थोड़ा सा देखें भाई, काफी बढ़िया। बिल्कुल दूरी पर थन दे रहे हैं, बिल्कुल मुट्ठी के थन है भाई साहब। चुवाई की कैसी है? बहुत अच्छी भाई साहब, बिल्कुल चाहे बच्चा धार निकालो ऐसी धार है इसकी। और मतलब थन भी फैला के बहुत अच्छा करे। ठीक है, बढ़िया निकाला बिल्कुल। हाँ निकाला। और इस हार से इसको मैं लेकर आया था। इस हार से अपन लेकर आए इसको। हाँ आपा फिर ब्याह भी लेके आए थे या फिर? मैं इसको भाई साहब पिछले ब्याह 1 महीने की ब्याह हुई थी या, तब मैं इसको लेकर आया था। ठीक है, कितना दूध पे लेके आए भाई? इसने भाई साहब 22 किलो दूध पे लेकर आया था मैं। 22 किलो दूध पे लेके आया। हाँ पूरा ब्यांत इसने लगभग मतलब जैसे 5 से 6 महीने तो 20+ दूध रहता है। फिर यह गैबन होगा, गैबन होने के बाद में मतलब धीरे धीरे 8 किलो दूध पे तो 9 महीने में लग जाए, तब भी मतलब पिछला ब्यांत मैंने बरती। ठीक है बात। तो मतलब मैंने छोड़नी पड़ी थी इसको। इसने दूध नहीं घटाया भाई, अगर ये आगे दूध नहीं देगी इस कारण तो मैंने इसको छोड़ना पड़ा। छोड़ना पड़ा। हाँ नहीं नहीं ठीक है बात। और मैं इसको इसको बेचकर राजी नहीं था, लेकिन मेरी वो भैंस तो घर वाले बेचकर राजी नहीं। ठीक है बात। ये भैंस मेरे घर वाले का हाथ पड़ रही है, मतलब की ये मिलती नहीं।
मिलती नहीं जाए किसी का, किसी का भी जाकर मिलेगी नहीं ये, ठीक है तो इसको ताजी को बेचना पड़ेगा। उस कारण से मतलब मेरा इरादा है कि अब ये देखे और मेरे घर में मतलब परिवार बड़ा है तो मैं चाहूँ कि मतलब ताजी भैंस ले आऊंगा, ठीक है और इसको दे दूंगा, इसको दे दूंगा ना, ठीक है। और भाई बहुत बढ़िया बात करी भाई ने, इसका रेट क्या होगा भाई जी? इसका भाई साहब इस समय अपना रेट 1,35,000 रुपया, 1,35,000 रुपया हम देनी है अपन। हाँ। एक बार और थोड़ा सा खोल के घुमा दे थोड़ा सा, क्योंकि पूरी तरह से कवर कर दिया ताकि किसी भाई ना कोई दिक्कत ना आवे कि बरा कहां से कोई चल के आ जाए। देखें भाई बहुत बढ़िया हाइट की है, बिल्कुल गोल सींग की है, पीठ पुठे में कोई कमी नहीं है, किसी भी साइड से कमी नहीं है, जो टीके अंदर पूरी तरह से पीछे आके कवर कर दूंगा। देखे भाई काफी बढ़िया है, आज भी छह महीने की मैं 12 किलो दूध तैयार है, तो अपने सभी भाइयों को पता चल गया होगा भाई काफी बढ़िया जोटी आज कैमरे के सामने लेकर आए हैं बाखड़ी। और एक बात और कहते हैं सभी भाइयों को भाई, आम पशुपालकों के लिए खड़े हैं, क्योंकि आजकल ये नहीं है भाई किसी कोई भाई आ गया तो अपनी मंदी जोटी बिक जाएगी, क्योंकि आज मीडिया का जमाना भाई साहब, ठीक है भाई ऐसा भ्राता जी, मतलब एक और है हम कोई व्यापारी नहीं, देसी ग्राहक है, एक आम पशुपालक, आम पशुपालक है और ब्रादर जी परिवार बड़ा है, ठीक है, जिसके कारण से मेरे को दूध की आवश्यकता ज्यादा रहे, बच्चा यूनिवर्सिटी है, डेली यूनिवर्सिटी भी दूध जावे, ठीक है बात, तो मतलब बच्चा खेलता है, हमारे पास इतनी कंप्लीटली जगह नहीं है कि हम एक भैंस और ले आवा, नहीं तो ये भैंस बेचने के लायक नहीं है, ठीक है बात। बहुत ज्यादा इसमें मतलब जितने भी जितने इसकी गुण है, इसके गुण है ना, मतलब उनकी कोई व्याख्या नहीं ब्रादर जी, ठीक, लेकिन चक्कर के है कि मैं घर में 3 भैंस रख रहे हूँ, चौथी ले आऊंगा तो जगह नहीं है, ठीक है बात, और उस जगह के चक्कर में मेरे को भैंस बेचनी पड़ रही है। देखिये भाई थोड़ा जगह भी दिखा देंगे भाई की, देखिये साइड में 4 ही पशुओं की जगह, साथ में जो अपना ये गांव से जो अपना बुग्गी में जोड़ा ये भी अपना साथ में खड़े देखें, क्योंकि ज्यादा जगह नहीं है भाई के पास, इसी करके जोटी बेचनी पड़ रही है, नहीं तो जोटी बहुत ही शानदार है। और जिस भाई ने संपर्क में भाई का आना तो नंबर स्क्रीन के ऊपर डाल दूंगा, एक बार कमेंट जरूर करें आपको जोटी कैसी लगी, आशा करूंगा सभी भाइयों को वीडियो पसंद आएगी, आखिर तक वीडियो देखने वाले भाइयों का धन्यवाद।